साहबा किराम के ज़माने में अगर कोई शख्स, इनके माँ बाप गुजर गए और बाद में उनको पता चला कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का सवाब इतना ज़बरदस्त, अरे तो क्या। और हमारे व्यूअर्स में से भी बहुत सारे लोग होंगे, यंग होंगे, बड़े भी होंगे, जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, लेकिन अब बातें सुनने के बाद इनको एहसास होता होगा कि काश हमारे माँ बाप होते तो हम भी उनकी खिदमत करते। तो क्या उनके लिए, क्या इस्लाम ने दरवाजे बंद कर लिए उनकी उम्मीदों के लिए? बल्कि रास्ते खोले हैं। देखो अल्लाह ताला कितना मौके देता है आपको जन्नतुल फिरदौस में जाने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के माँ बाप नहीं हैं और वो चाहता है कि उनके माँ बाप के मरने के बाद उनके साथ अच्छा सलूक करे, मरने के बाद, तो उन्हें क्या करना चाहिए? माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इजी शॉर्टकट, अपने माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। आप यहां चाचा मामू फूफी की तो बात नहीं है, डैडी के दोस्त की बात चल रही है। आपके डैडी के भी दोस्त होंगे, अरे अंकल आ गए पकाने के लिए, यू नो तकिया कलाम लोग बोलते रहते। आमतौर पर इस उम्र के बच्चे अपने अब्बा के दोस्तों से भी बहुत चिढ़ते, अब वो अंकल ने देख लिया ना, अभी जाके डैडी को शिकायत करेंगे, अरे कैसे अंकल है वो कैसे दिखते हैं। यू सी वी पास कमेंट्स, पर हमें पता नहीं कि ये शख्स की कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। हो सकता है इसके साथ अच्छा सलूक करने से मेरे माँ बाप के साथ भलाई की उसका सवाब मुझे फ्यूचर में मिल सकता है। इब्ने उमर रजी अल्लाह ने, हज़रत उमर बिन अल खत्ताब के बेटे बड़े मशहूर हैं, ये एक दफ़ा अपने गुलाम के साथ जा रहे होते हैं ऊँट पर बैठ कर बाहर, मतलब मदीना शहर आप लोग ने शायद देखा नहीं होगा, इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे उमरा करने जाओगे तो या हज करने जाओगे तो। मदीना जो है ना वो रेगिस्तान था, अभी तो रोड और हाईवे बन गए, गर्मी के अंदर उस ज़माने में जाना एक ऊँट के ऊपर बैठ कर आउट ऑफ सिटी, और देखा कि एक शख्स वहाँ से बड़े मियाँ चलते हुए मदीना की तरफ जा रहे और ये मदीना के बाहर जा रहे हैं। उन्होंने पहचान लिया इब्ने उमर ने, हज़रत उमर के बेटे ने, और ये वाकया है हज़रत उमर के इंतकाल के बाद, और ऊँट से उतर जाते हैं, बड़े मियाँ के पास जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्ला। अपना अमामा उतारते हैं और उसके सर पे पहना देते हैं। अरबों के अंदर अपनी पगड़ी, अपना अमामा उतार कर किसी और के सर पे पहना देना, यानी हमने आपकी बहुत इज्जत की, उनके कल्चर में ऐसा है। तो इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु अपना अमामा उतार कर उनके सर पे पहना देते हैं और अपने गुलाम को कहते हैं कि भाई ये बड़े मियाँ को ऊँट पे बिठाओ और मदीना में छोड़ के आओ, मैं यहाँ पे इंतज़ार करता हूँ। गुलाम छोड़ के आ गया, फिर पूछने लगा कि शेख बड़ा अजीब अमल देखा हमने, आप ऊँट पे से उतर पड़े और जाकर आपने शख्स को पगड़ी पहना दी, ऐसा हमने कभी देखा नहीं आपको करते हुए। तो कहते हैं कि मैंने इसलिए इनके साथ किया कि ये मेरे अब्बा के दोस्त थे और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिनके माँ बाप गुजर गए हो और वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहे तो उन्हें चाहिए कि अपने माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे, तो मैंने किया। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें